नमस्कार, मैं हूं साक्षी। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले अब एक नजर सुर्खियों पर। बिहार सक्षमता परीक्षा का रिजल्ट जारी, कक्षा पांचवी तक में इतने प्रतिशत शिक्षक पास। लोकसभा चुनाव को लेकर आज नामांकन पत्रों की जांच। बीपीएससी से कंप्यूटर साइंस शिक्षक भर्ती मामले में हाईकोर्ट ने मांगा जवाब। कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न से किया गया सम्मानित। के पाठक के खिलाफ व्हाट्सएप ग्रुप में मजाक करना शिक्षक को पड़ा महंगा। इसके साथ ही बढ़ते हैं शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। बिहार सक्षमता परीक्षा का रिजल्ट जारी, कक्षा पांचवी तक में इतने प्रतिशत शिक्षक पास। शिक्षकों को राज्य कर्मी का दर्जा देने के लिए सक्षमता परीक्षा का आयोजन हुआ और बिहार बोर्ड ने विशिष्ट शिक्षक भर्ती के लिए हुई सक्षमता परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया है। इसमें कक्षा एक से पांचवी तक में 93% शिक्षक पास हो गए हैं। बिहार बोर्ड की ओर से कक्षा एक से लेकर पांच तक के लिए रिजल्ट की घोषणा की गई और इसमें 1,48,845 शिक्षक में से 1,39,010 टीचर पास हो चुके हैं। परीक्षा के परिणाम को वेबसाइट www.bsebsakshamta.com/login पर चेक किया जा सकता है और इसके लिए शिक्षकों को अपना आवेदन संख्या और जन्म तिथि को भरना होगा। वहीं बिहार बोर्ड के अनुसार 9,835 गुरु जी फेल हो चुके हैं। आपको बता दें कि इन्हें अगली परीक्षा में मौका मिलेगा। पांच परीक्षाओं में से एक में सफल होना अनिवार्य है। बीपीएससी से कंप्यूटर साइंस शिक्षक भर्ती मामले में हाईकोर्ट ने मांगा जवाब। कंप्यूटर साइंस शिक्षक भर्ती में रिक्तियां रहने के बाद भी अभ्यर्थियों का चयन नहीं होने के मामले में पटना हाईकोर्ट ने बीपीएससी से जवाब मांगा है और उसके बाद बिहार लोक सेवा आयोग को 4 हफ्ते के अंदर इस मामले में कोर्ट को जवाब देना है। दरअसल कंप्यूटर साइंस के शिक्षक पदों पर भर्ती के लिए निकाले गए परीक्षा परिणाम को रद्द करने के मामले में हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने राज्य सरकार और बीपीएससी दोनों को ही जवाब तलब किया है। इस मामले में दोनों को जवाब देना होगा। बताया जाता है कि रिक्त पद रहने के बाद भी आवेदकों का चयन नहीं हुआ। लोकसभा चुनाव को लेकर आज नामांकन पत्रों की जांच। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर बिहार की 4 सीटों पर नामांकन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। नवादा में 17 प्रत्याशियों ने आवेदन किया और उसके बाद आज नामांकन पत्रों की जांच की जा रही है। जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी आशुतोष कुमार वर्मा के कार्यालय में नामांकन पत्रों की जांच होगी और जिला निर्वाचन पदाधिकारी की ओर से नामांकन पत्रों की जांच होगी। आपको बता दें कि एनडीए से भाजपा के प्रत्याशी विवेक ठाकुर, महागठबंधन से राजद के प्रत्याशी श्रवण कुमार, राजद के बागी निर्दलीय विनोद यादव, भोजपुरी गायक निर्दलीय गुंजन सिंह आदि शामिल है। सभी प्रत्याशियों ने 28 अप्रैल को अपना पर्चा दाखिल किया था। वहीं 2 अप्रैल को नाम वापसी की अंतिम तिथि है। कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न से किया गया सम्मानित। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर को मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। उनके बेटे रामनाथ ठाकुर ने ये सम्मान ग्रहण किया। राष्ट्रपति भवन में खास कार्यक्रम का आयोजन किया गया था और इस समारोह में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और दोनों डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा, केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय, मंत्री प्रेम कुमार, जदयू सांसद ललन सिंह और राज्यसभा से सांसद संजय झा मौजूद रहे। मालूम हो कि कर्पूरी ठाकुर ने साल 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में हिस्सा लिया था और साल 1970 में वो बिहार के मुख्यमंत्री बने थे। उन्होंने मैट्रिक परीक्षा को पास करने के लिए अंग्रेजी की अनिवार्यता को खत्म किया था। बिहार में लोकसभा चुनाव को लेकर उड़ान भरेंगे 10 हेलीकॉप्टर। बिहार में लोकसभा चुनाव को लेकर 10 हेलीकॉप्टर उड़ान भरेंगे और इसमें 2 हेलीकॉप्टरों को बुक कर लिया गया है। पटना एयरपोर्ट पर बुकिंग की प्रक्रिया चालू है और मालूम हो कि रैलियों के शेड्यूल को तय कर लिया गया है और सियासी दलों की तैयारी जमीन से लेकर आसमान तक की है। मीडिया में चल रही खबरों के अनुसार भाजपा की ओर से 1 हेलीकॉप्टर को बुक किया जा चुका है। वहीं 1 चॉपर 17 मार्च से ही तैयार है। बताया जाता है कि इसे राष्ट्रीय जनता दल की ओर से बुक किया गया है। आने वाले दिनों में भाजपा की ओर से 5 और हेलीकॉप्टर के बुक करने की संभावना जताई जा रही है, जबकि राजद की ओर से 2, कांग्रेस की तरफ से 2 और जदयू की ओर से 1 हेलीकॉप्टर की बुकिंग हो सकती है। के पाठक के खिलाफ व्हाट्सएप ग्रुप में मजाक करना शिक्षक को पड़ा महंगा। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक के खिलाफ होली के दौरान व्हाट्सएप ग्रुप में मजाक करना एक शिक्षक को महंगा पड़ गया है। शिक्षा विभाग ने उनके खिलाफ कार्रवाई करते हुए वेतन पर रोक लगा दी है और इसके साथ ही नौकरी से निकालने के लिए शो कॉज किया है। दरअसल वैशाली जिले के एक शिक्षक ने
के पाठक को लेकर व्हाट्सएप ग्रुप में कुछ मैसेज किया था और इसे शिक्षा विभाग ने अमर्यादित मानते हुए शिक्षक से स्पष्टीकरण की मांग की है और इसके साथ ही कहा है कि इनका आचरण शिक्षक के पद पर बने रहने के लायक नहीं है। इस आचरण से शिक्षा विभाग की छवि धूमिल हुई है। महागठबंधन में हुए सीट बंटवारे को लेकर भाजपा ने कसा तंज। बीते दिन महागठबंधन में सीटों का बंटवारा हो गया और इस पर भाजपा ने तंज कसा है। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी ने कहा है कि लालू यादव ने सीट बंटवारों में कांग्रेस को उसकी हैसियत दिखाई है, ये एक तरफा सीट शेयरिंग है। सुशील मोदी ने कहा है कि लड़ने से पहले ही गठबंधन बिखर गया और भाजपा की ओर से 6 सूची को जारी कर 405 प्रत्याशी की घोषणा की जा चुकी है। वहीं विपक्ष गठबंधन अभी 50 सीट पर साझा प्रत्याशी को तय नहीं कर सका है। राहुल गांधी और शशि थरूर का गठबंधन सीट पर फेल हो गया। सुशील मोदी ने आगे ये भी कहा है कि विपक्ष अगर साझा उम्मीदवारों की घोषणा भी कर दे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाले एनडीए का मुकाबला नहीं कर पाएगा। बिहार में 9 सीटों पर कांग्रेस के इन प्रत्याशियों की चर्चा तेज। बिहार में लोकसभा चुनाव को लेकर महागठबंधन में सीटों का बंटवारा हो चुका और उसमें 9 सीट कांग्रेस के खाते में आई है। इन सीटों पर कांग्रेस की ओर से प्रत्याशियों की लिस्ट तैयार हो रही है और इसे लेकर पार्टी ने 31 मार्च को चुनाव समिति की बैठक बुलाई। आपको बता दें कि कांग्रेस के खाते में कटिहार, किशनगंज, भागलपुर, समस्तीपुर, सासाराम, पटना साहिब, पश्चिमी चंपारण, मुजफ्फरपुर, महाराजगंज की सीट आई है और कांग्रेस में किशनगंज से वर्तमान सांसद मोहम्मद जावेद, भागलपुर से विधायक अजीत शर्मा, कटिहार से तारिक अनवर, पटना साहिब सीट पर मीरा कुमार के बेटे अंशुल अभिजीत और राजकुमार राजन के नाम की चर्चा हो रही है और इधर समस्तीपुर की सीट से पूर्व आईपीएस वीके रवि और अशोक राम की चर्चा तेज है। मुजफ्फरपुर से विधायक विजेंद्र चौधरी और महाराजगंज की सीट से बिहार प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह के बेटे आकाश सिंह के नाम की चर्चा हो रही है। तेजस्वी यादव ने पप्पू यादव को लेकर दिया बयान। बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने पप्पू यादव को लेकर बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि आरजेडी का गठबंधन कांग्रेस के साथ है, किसी व्यक्ति के साथ नहीं है। दोनों पार्टी के बीच सीट का बंटवारा हो चुका है। पप्पू यादव का मामला कांग्रेस पार्टी के अंदर का मामला है, इस पर वो कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं। पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने कहा है कि आरजेडी और कांग्रेस के बीच जनवरी में ही सीट शेयरिंग पर बात चल रही थी और सब कुछ पहले ही तय हो चुका था। पप्पू यादव का मामला हमारा विषय नहीं है। कांग्रेस नेता पप्पू यादव ने नीतीश कुमार पर साधा निशाना। कांग्रेस नेता पप्पू यादव इन दिनों सियासी गलियारों में चर्चाओं में हैं। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव को लेकर महागठबंधन में सीट शेयरिंग तय हो चुकी है और इसमें पूर्णिया सीट आरजेडी के खाते में आई है। वहीं पप्पू यादव इस सीट से चुनाव लड़ने का दावा कर रहे थे। इसी बीच जदयू ने पप्पू यादव पर तंज कसा। जदयू के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से पोस्ट किया गया है कि पप्पू को पास कराएंगे, पप्पू और पप्पू को पीएम बनाएंगे। इसके बाद पप्पू यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि गप्पू बेरोजगार हो जाएंगे और चाचा की भी सरकार जाएगी, राहुल गांधी की सरकार बनेगी और देश के बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा। भोजपुरी स्टार पवन सिंह टीएमसी नेता बाबुल सुप्रियो पर भड़के। भोजपुरी स्टार पवन सिंह टीएमसी के नेता बाबुल सुप्रियो पर सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर भड़क गए। दरअसल बाबुल सुप्रियो ने अभिनेता पर आरोप लगाया था कि वो अपने गानों में बंगाली महिलाओं को टारगेट करते हैं। उन्होंने कहा है कि आपने 4 गाने के जो पोस्टर पोस्ट किए हैं, अगर ये 4 पोस्टर के गाने को सही साबित कर देते हैं तो मैं राजनीति और संगीत दोनों से ही संन्यास ले लूंगा, नहीं तो आप संन्यास लेंगे। पवन सिंह ने बाबुल सुप्रियो को लेकर कहा है कि आपने सिर्फ पवन सिंह का दिल नहीं दुखाया है बल्कि 40 करोड़ भोजपुरी भाषी और कलाकारों को प्रेम करने वाले लोगों के मन को भी ठेस पहुंचाया है। पप्पू यादव ने 2 अप्रैल को पूर्णिया लोकसभा सीट से नामांकन का किया ऐलान। महागठबंधन में सीटों का बंटवारा हो चुका है। पूर्णिया की लोकसभा सीट आरजेडी के खाते में है और इसी बीच कांग्रेस के नेता पप्पू यादव ने 2 अप्रैल को पूर्णिया लोकसभा सीट से नामांकन का ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि 2 अप्रैल को वो जनता के समर्थन से नामांकन करने जा रहे हैं। पप्पू यादव के निजी सचिव अजय जायसवाल ने कहा है कि पूर्णिया लोकसभा क्षेत्र से जनता समर्थित प्रत्याशी पूर्णिया का बेटा राजेश रंजन उस पप्पू यादव को 2 अप्रैल को नामांकन करेंगे। उन्होंने जनता से अपील की कि नामांकन कार्यक्रम के दौरान पहुंचकर पप्पू यादव को अपना आशीर्वाद दें। गया लोकसभा चुनाव को लेकर 22 प्रत्याशियों ने किया नामांकन। बिहार के गया में पहले चरण में मतदान होगा, इसे लेकर 22 प्रत्याशियों ने अपना नामांकन दाखिल किया है।
माना जा रहा है कि यहाँ पूर्व मुख्यमंत्री और एनडीए के प्रत्याशी जीतन राम मांझी और राजद के प्रत्याशी कुमार सर्वजीत का सीधा मुकाबला होने जा रहा है। गया संसदीय क्षेत्र में साल 2024 में 22 प्रत्याशियों ने अपना पर्चा दाखिल किया है, वहीं साल 2019 में ये संख्या 13 थी। प्रत्याशियों की संख्या में 1.5 गुना बढ़ोतरी देखने को मिली है। पिछले लोकसभा चुनाव के मुकाबले 1.5 गुना अधिक प्रत्याशियों ने अपना नामांकन इस बार दाखिल किया है। मालूम हो कि यहाँ 9 अप्रैल को मतदान होगा। मुख्तार अंसारी के जनाजे में शहाबुद्दीन का बेटा हुआ शामिल। मुख्तार अंसारी की उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में अंतिम यात्रा निकाली गई, इसमें भारी भीड़ उमड़ पड़ी। पूरे गाजीपुर जिले में सिक्योरिटी अलर्ट मोड पर है। इसी बीच दिवंगत पूर्व सांसद शहाबुद्दीन का बेटा उसामा शहाब भी मुख्तार अंसारी के जनाजे में शामिल हुआ। उन्होंने मुख्तार अंसारी के परिजनों से मुलाकात की है। बताया जाता है कि अपराध की दुनिया में मुख्तार अंसारी और शहाबुद्दीन दोनों ही करीबी माने जाते थे, इस कारण ही शहाबुद्दीन का बेटा उसामा इस अंतिम यात्रा में शामिल हुआ। जानकारी के अनुसार उसामा शहाब कुछ दिनों पहले ही जेल से छूट कर रिहा हुआ है। आईपीएल 2024 में आरसीबी की हार पर पूर्व इंग्लिश कप्तान ने कही ये बात। आईपीएल 2024 में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर को कोलकाता नाइट राइडर्स ने 7 विकेट से हरा दिया है और इसमें पहले बल्लेबाजी करते हुए आरसीबी ने 182 रन बनाया था। विराट कोहली की 83 रन की पारी बेकार गई। 182 रन के टारगेट को केकेआर के बल्लेबाजों ने 3 विकेट खोकर आसानी से हासिल कर लिया। कोलकाता नाइट राइडर्स की ओर से वेंकटेश अय्यर और सुनील ने बढ़िया पारी खेली और इस पर पूर्व इंग्लिश कप्तान माइकल वॉन ने बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि इस बॉलिंग अटैक के साथ ही आरसीबी के लिए आईपीएल ट्रॉफी को खेलना संभव नहीं है। पूर्व इंग्लिश कप्तान माइकल वॉन के आरसीबी को लेकर दिए गए कथन से आप कहां तक सहमत है? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर जरूर दें। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोग में से बहुत से लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया उनके नाम है कुश कुमार यादव, शालू कुमारी, नरेश शाह, सुरेश कुमार, कुमारी संजना, संजय यादव, नौशाद रजा, गोनर शर्मा, पीयूष कुमार, मोहम्मद शकीर हुसैन, रंजीत मिश्रा, नंद कुमार सिंह, जितेंद्र ठाकुर, अनवर करीम खान, अर्जुन राम, संजीव कुमार, वेद प्रकाश सिंह, रवि कुमार राम, उमेश श्रीदेव, राकेश मिश्रा, मुकेश कुमार। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, इस बार गर्मियों की छुट्टी आप कहाँ बिताने वाले हैं? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज। और साथ ही अगर आप YouTube से देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर आप Facebook से देख रहे हैं तो पेज को लाइक करना नहीं भूले। धन्यवाद।